हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस हेल्थ वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हल्के फीवर के बारे में, क्योंकि लगातार अगर आपको हल्का फीवर हो रहा है तो ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है, तो ये आप सीरियसली लें। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका इलाज क्या है और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं NBT लाइव और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, साथ ही शुरू हो गया है हल्का कफ, कोल्ड फीवर। ये सीजन कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, कुछ दिन तक आप ठीक भी हो जाते हैं लेकिन फिर वही बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि तो लगातार बुखार आपका जाता नहीं है। इसे लो ग्रेड फीवर भी कहा जा सकता है। ऐसे में लोग कई बार इस प्रॉब्लम को हल्के में ले लेते हैं और पैरासिटामोल लेकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर ये हल्का फीवर आपको फिर आने लगता है। एक हफ्ते से ज़्यादा अगर ये होने लगा है तो इसको सीरियसली लें, ये कई सारी बीमारियों की जड़ भी बन सकता है, तो इसका सही इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बताते हैं लो ग्रेड फीवर क्या होता है। लो ग्रेड फीवर का मतलब ये होता है कि 99 से लेकर 101 तक बॉडी का टेम्परेचर रहना होता है और शरीर में खासकर पैरों में दर्द बना रहता है। दिन के किसी भी समय आपको रोजाना बुखार चढ़ता है, फिर आप पैरासिटामोल ले लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, यानी कि बुखार चला जाता है, फिर ऐसी सिचुएशन अगले दिन फिर से शुरू हो जाती है। अगर आपको 10 से 15 दिन तक ये लगातार हो रहा है तो ये लो ग्रेड फीवर है और इसकी जांच आपको ज़रूर करवानी चाहिए। लो ग्रेड फीवर के सबसे नॉर्मल कारणों में से वायरल इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है, हालांकि ये कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाता है और पैरासिटामोल से ही आपको आराम भी मिल जाता है। इसमें आपको कुछ दूसरे लक्षण जैसे कि नाक बहना, गले में खराश होना, छींक आना, भूख ना लगना, ये सब भी हो सकते हैं। वहीं वायरल निमोनिया भी इस लो ग्रेड फीवर से हो सकता है। लो ग्रेड फीवर का दूसरा कारण यानी कि इसके पीछे का रीज़न वायरल निमोनिया भी है। इसमें व्यक्ति को बुखार के साथ साथ ठंड लगने लगती है, खांसी होती रहती है लगातार और ये 2 से 3 हफ्ते चल सकता है। इसके मुख्य तौर पर जो पेशेंट होते हैं वो पैरासिटामोल खाते हैं और आराम करने की उन्हें सलाह दी जाती है। अगर इसके बाद भी वो ढंग से सेटल नहीं हो पाते तो डॉक्टर उन्हें प्रॉपर जांच करवाने के लिए कहते हैं। वहीं UTI भी इसका एक रीज़न हो सकता है। UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें कई बार आपको ये लक्षण नज़र आ सकते हैं, जैसे कि लगातार आपको फीवर बन रहा है, कुछ लोगों को फीवर के साथ साथ बहुत तेज ठंड लगती है। इसके साथ कॉमन लक्षण ये भी होते हैं कि यूरिन करते समय आपको जलन होती है, बार बार यूरिन आता है, ऐसे में ये लक्षण आपको नॉर्मली दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है, फीवर के साथ आपको यूरिन में दिक्कत हो रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वहीं TB भी एक वजह हो सकती है। हमारे देश में लो ग्रेड फीवर का बहुत बड़ा कारण TB भी माना जाता है, जिसमें 3 हफ्तों से ज़्यादा तक हल्का बुखार रह सकता है। इसमें भूख ना लगने, खांसी आना, खांसी में ब्लड आना, वजन कम होना, रात में पसीना आना जैसे लक्षण भी मरीजों को देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, जाँच होने के बाद ही आप इसका इलाज शुरू करवाएं। कई बार छोटी मोटी दिखने वाली परेशानियां भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो सीज़न है ये बुखार का सीज़न है, इसमें कई बार डेंगू, मलेरिया ये सब की वजह से बुखार भी आता है, तो हमें सही चेकअप कराना है, सही डॉक्टर से मिलना है और अपने सेहत का ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर काम आई होगी। अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। NBT लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।